हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में जो मेरा टॉपिक था वो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से फॉर्मूले को, वो मैंने आप सभी को बताया था। आप चाहें तो जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा अगला टॉपिक है वो ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर नीचे हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल देंगे या फिर एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस a का गुणा एक बार इससे कराएंगे, फिर b का गुणा एक बार इससे कराएंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी का हम कराएंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हम अब देखेंगे कि कौन सा कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है। एक विजय व्यंजक वाले पदों को एक पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब और यहाँ पे हम देखेंगे टू ए स्क्वायर बी। तो इस दूसरा पद कोई ऐसा हो जिसमें स्क्वायर वाला हो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टू ए बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ए छूट गया है, अभी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। हाँ, फिर इस टू ए बी स्क्वायर वाले पद को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर या थ्री बी स्क्वायर ए। अब प्लस हम कर देंगे बी क्यू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे थ्री ए बी को और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रूफ हो गया। जो पहले हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे उसे एक्सपेंड करते हुए हम यहाँ पे लेके आए और वही हमें प्राप्त हुआ है।